हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज वीडियो में हम कोई टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी नहीं कर रहे हैं। आज संडे के दिन, जहां मुझे लगता है कि आप सबके पास आराम से टाइम होगा, फुर्सत होगा, आप एक इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा कोई कंटेंट आप सुने या फिर आप देखें जिससे एक्चुअली फ्यूचर में आपको मदद मिले, तो मुझे लगा कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आऊं। हालांकि ये एक मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन हैं जो मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस रेशियो बाईबैक में होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको बाईबैक का आइडिया नहीं है, एक समरी आपको बता दूं, कभी भी कोई कंपनी को लगता है कि उनका जो शेयर है मार्केट पे जो ट्रेड हो रहा है उसका जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, उनको लगता है कि ये प्राइस इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जनरली वो बाईबैक का ऑफर लेके आते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं कि मार्केट से वो शेयर उठा लेते हैं ताकि वो बाई शेयर्स के वैल्यू बढ़ने के बाद में वो वापस रिलॉन्च कर सके एफपीओ वगैरह कुछ भी, या फिर नॉर्मल उसको यूज कर सके अपना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं या फिर कोई बड़े प्रमोटर हिस्सेदारी ले रहे हैं कंपनी में, तो ये यूज करते हैं उन शेयर परसेंटेज को उसके लिए। तो ये बाईबैक अभी रिसेंटली, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने नहीं देखा होगा, आप जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चैनल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, आपको पता है कि लास्ट कुछ महीनों में मैंने काफी सारे वीडियोस कवर किए हैं बाईबैक रिलेटेड, जहां पे मैंने बताया कि बाईबैक होता क्या है, क्या आपका रेशियो है, कब तक आपको शेयर होल्ड करने हैं, ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या है नहीं है, कितना परसेंटेज आपका बाईबैक हो सकता है, कितना आपको फायदा हो सकता है, सारे इंफॉर्मेशन जो भी हो सकते हैं। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एक वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं कि मेरे कितने शेयर्स एक्सेप्ट होंगे। तो ये आप दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि ये बेसिकली जो बाईबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्टेंस रेशियो, तो मान के चलते हैं आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स हैं एंड कंपनी आपको कहती है कि मैं आपके 5 शेयर बाईबैक कर लूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो है 50%, क्योंकि आपके हाफ शेयर्स कंपनी बाईबैक कर ले रही है। तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो बाईबैक कितना इंटरेस्टिंग है। मान के चलते हैं कि कोई कंपनी ने जो भी डिक्लेयर किया परसेंटेज, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है 2% या फिर 3% या फिर 5%, तो कहीं ना कहीं क्या वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि मान के चलते हैं आपके पास 100 शेयर्स है किसी कंपनी के, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 2% 1% निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 शेयर्स में से 1-2 शेयर ही आपके बाईबैक होंगे, या फिर अगर मान के चलते हैं 10-15-20% तक भी अगर बाईबैक में आपका एलिजिबिलिटी आता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हाँ चलिए आपके पास 100 शेयर है, 20 शेयर कंपनी बाईबैक कर रही है, उसके अगेंस्ट में आपको एक अच्छा पैसा दे रही है, तो दैट स्टिल मेक सेंस। लेकिन अगर 20-30% से नीचे है तो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है। तो कभी भी कोई बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा चीज जानना जरूरी है कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, कि अगर आप अप्लाई करो कितने शेयर हो सकते हैं आपके बाईबैक कंपनी कर ले। ठीक है, अब ये चीज कभी भी जो बाईबैक का नोटिफिकेशन आता है, कंपनी जब भी न्यूज लेके आती है, कंपनी के किसी भी सर्कुलर में ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, अगर मैं अपने शेयर टेंडर करता हूँ, तो मेरे कितने सारे शेयर्स कंपनी वापस लेगी एंड कितना मुझे मुनाफा मिल सकता है। तो ये वीडियो उसी का को केटर करते हुए, दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, बीच में से आप फॉरवर्ड करके ना देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये टोटल कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूँ अगले स्लाइड में। तो आज जो वीडियो हमने, या फिर आप बोल सकते हो जो कंपनी मैंने सिलेक्ट किया है, वो मैंने सिलेक्ट किया है विप्रो। अब विप्रो ने हाल ही में अपना बाईबैक लेके आया है, आपने विप्रो का अगर बाईबैक का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल के पुराने वीडियो को देख सकते हैं, आप विप्रो बाईबैक करके सर्च करिए, मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि विप्रो ने क्या किया है। उसी को एज ए सैंपल हम यूज करेंगे, उसका जो बाईबैक का टेम्पलेट है उसको यूज करेंगे एंड हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो क्या निकल के आता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से आप एक परसेंटेज निकाल सकते हो, कितने आपके बाईबैक में शेयर्स कंपनी ले सकती है, उसका एक डिटेल एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले ये विप्रो का जो भी उसने बाईबैक का ऑफर लाया था उसका थोड़ा सा हम डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो कि कैलकुलेशन में हमको चाहिए होगा। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन जो हमको चाहिए कि कंपनी कितने शेयर्स बाईबैक कर रही है, अमाउंट अगर आपके पास है, कितने शेयर्स आपके पास है, आप डिवाइड करोगे तो आपको वो जो बाईबैक का प्राइस है वो मिल जाएगा। हालांकि हमारे लिए दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितने प्राइस पे बाईबैक कर रही है, किस डेट से बाईबैक कर रही है एंड कितने अमाउंट का बाईबैक कर रही है। तो अभी जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, एक्सेप्टेंस रेशियो के लिए हमें रिकॉर्ड डेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड डेट जस्ट ये कैलकुलेटर करने के लिए है कि किस डेट तक आपको अपने
पोर्टफोलियो में शेयर्स रखने हैं ताकि आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो। ये 400 रुपया यहाँ जो मेंशन है विप्रो का, ये बायबैक का रेट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये कंपनी ने सेटल किया है। अब ये वैल्यू हम कब यूज करेंगे, जब हम बायबैक में अप्लाई करें। बायबैक में अप्लाई करने से पहले हम देख लेंगे करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अगर हमें दिख रहा है कि ये 400 के नजदीक नजदीक ऑलमोस्ट आ गया है, देन बायबैक में पार्टिसिपेट करने का फायदा नहीं है। लेकिन मान के चलते हैं कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन शेयर का वैल्यू 300-320 रुपया चल रहा है, तो 20-30% नीचे है कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है उस दिन का, तो बायबैक में पार्टिसिपेट करने का मतलब बनता है क्योंकि उसमें आपको एक मुनाफा मिल सकता है। तो ये दोनों डेटा तो नॉर्मल स्टैटिक डेटा है, इसको कैलकुलेशन में हमको नहीं चाहिए। कैलकुलेशन में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो चाहिए। सबसे पहला, कंपनी कितने शेयर्स बायबैक कर रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी इज बाइंग बैक इज 23 करोड़ 75 लाख। सो 23 करोड़ 75 लाख ये कंपनी बायबैक कर रही है, ठीक है। सो 23.75 लाख करोड़ ये जो टोटल का कंपनी का वैल्यूएशन, आप बोल सकते हो जो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी बायबैक कर रही है, दैट इज 23.75 करोड़, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन? ऐसे लोग जो कंपनी में जिन्होंने 2 लाख से कम इन्वेस्ट करके रखा है, वो उसको उनको माना जाता है रिटेल इन्वेस्टर। तो अगर आपका किसी कंपनी में 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है, आप रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर 2 लाख से ज्यादा हो गया तो आप रिटेल कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो। तो अगर एग्जांपल के लिए मान ले, आज अगर विप्रो मान के चलते हैं 300 रुपया ट्रेड कर रहा है, तो 2 लाख का माने सिंपल हो गया। अगर आपके पास कंपनी के 300 शेयर है, तो 300 शेयर × 300 का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ आपका जो प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मान के चलते हैं 300 का वैल्यू आज के डेट पे चल रहा है, तो 2 लाख के लिए 1, 2, 3, 4, 5 2 लाख डिवाइडेड बाय 300, तो 666, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे 666 जो टोटल अमाउंट है, ये नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपके पास 666 शेयर्स रखे हुए हैं कंपनी के, उसको 300 से गुणा करेंगे आज के डेट पे, तो टोटल उसका जो कैपिटल वैल्यूएशन है 2 लाख है। तो आपके पास 2 लाख रुपए के वैल्यूएशन के शेयर्स रखे हुए हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर 1-2 शेयर्स आपके ज्यादा है एंड जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपका वैल्यूएशन 2 लाख से ऊपर है, तो आपका ये उस कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं होगा। तो अगर आपके पास 2 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कुछ 4-5 शेयर अपने भेज दें, ताकि वो आपका 2 लाख से नीचे हो और आप एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो हमने देख लिया कितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। अब दूसरा चीज हमको यहाँ पे देखना है कि कंपनी के कितने शेयर्स एक्चुअली रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा? अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, आपको बीएससी के वेबसाइट पे जाना है। बीएससी के वेबसाइट में गया, बीएससी के वेबसाइट में जाके आप विप्रो नाम से सर्च करिए। विप्रो नाम से आप सर्च करेंगे, आपके सामने पेज खुल जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न करके एक ऑप्शन है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आइए, यहाँ आने पर यहाँ पे डिटेल्स में क्लिक करिए, तो आपको पूरा पेज वो पूरा शेयर होल्डिंग का पैटर्न निकाल के आपको दे देगा। वहां पे देखिएगा एक पर्टिकुलर लिंक है, वो कहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर पब्लिक शेयर होल्डर्स, ठीक है। इस पे आप क्लिक करिए तो पब्लिक शेयर होल्डर्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको देखना है, दैट इज इंडिविजुअल शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 2 लाख एंड इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। तो ये जो अप टू 2 लाख का फिगर आप देख रहे हो, ये अप टू 2 लाख वाले वही लोग हैं जो जिनका कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए से कम है कंपनी के अकाउंट में। तो इन्हीं के ऊपर हम आज वीडियो में बात कर रहे हैं। तो हम आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट ये 2 लाख से कम ही है, तो 2 लाख से अगर कम हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितने शेयर्स हमारे बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमको मिल गया नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 23.75 लाख, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब हमको देखना है कि जो रिटेल कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर्स है वो है ये 12930503। तो ये नंबर ऑफ टोटल शेयर्स हमारे हो गए जो कि रिटेल कैटेगरी में। अब चलते हैं कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, ठीक है। अभी ये कहाँ से मिल रहा है? ये इन्फॉर्मेशन हमको पिछले स्लाइड में मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी बोला है 23.75 करोड़ कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है। ये हो गया पहला कैलकुलेशन, ये तो नॉर्मल हमको कंपनी के सर्कुलर में मिल गया। जो दूसरा पॉइंट है, रिटेल कोटा लेस देन 2 लाख। जैसे मैंने बोला कि 2 लाख से कम अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आप जो रिटेल कोटा में बिलोंग करते हैं, तो एक सेबी के रूल के हिसाब से 15% आपका रिजर्व रहता है।
रिटेल कैटेगरी के लिए। तो कोई भी कंपनी अगर बाईबैक लेके आती है, मैंडेटरी है कि 15% शेयर्स आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देने हैं, उसके बाद बाकी आप प्रमोटर को दीजिए, आप FIs को दीजिए, D2s को दीजिए, आपकी मर्जी, 15% आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देने ही देने हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो 15% होता है 23.75 का, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका जो 15% है वो निकल के आ रहा है 3.56 करोड़। ठीक है, वो निकल के आ रहा है 3.56 करोड़। तो ये 3.56 जो करोड़ है ये आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को देने ही देने हैं, 3.56 करोड़। ठीक है, अब जो तीसरा हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि रिटेल होल्डिंग एज पर लेटेस्ट इन्फो, जैसे मैंने बीएससी के वेबसाइट पे आपको दिखाया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास रखे हुए हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 12.93 करोड़। तो एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कितने शेयर्स कंपनी बायबैक कर रही है, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल गया उस शेयर का 15% जो कि रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तीसरा इन्फॉर्मेशन वो कौन से रिटेल कैटेगरी में जितने शेयर्स है कंपनी के पास प्रोमोटर के अलावा जो रिटेल कैटेगरी में है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, वो हमको बीएससी के वेबसाइट से मिल गया, दैट इज 12.93 करोड़। अब चौथा इन्फॉर्मेशन क्या, एक्सेप्टेंस रेशियो। अब एक्सेप्टेंस रेशियो में आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो रिटेल कैटेगरी में आप 15% अगर आपका रिजर्व है तो 3.56 करोड़ टोटल शेयर्स है जो कंपनी बायबैक करेगी, एंड रिटेल के पास कितने शेयर्स है, 12.93। तो 12.93 का कितना हिस्सा हो गया 3.56, अगर आप 3.56 को 12.93 से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालोगे, दैट कम्स अराउंड 27.33। तो 27.33 वो परसेंटेज है जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आ रहा है एज पर दिस फॉर्मुलेशन। आपको सिमिलर समझ में आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, देख लिए उसमें से 15% कितने रिजर्व है रिटेल के लिए, अब वो कंपेयर करना है उसको किसके शेयर्स के साथ, कंपनी के पास ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो उसका दोनों का रेशियो कंपेयर करिए, रेशियो कंपेयर करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे, जितना परसेंटेज हमारा आता है दैट इज द एक्सेप्टेंस रेशियो कंपनी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो इसका सिमिलर सिमिलर अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है विप्रो के, यू विल गेट एन एलिजिबिलिटी टू बाई बैक 27 शेयर्स, 27 शेयर्स आप बाई बैक कर सकते हो। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स है 27, अगर आपके पास 500 है तो 27 × 5, तो कहीं ना कहीं 135 शेयर्स आपके बाई बैक हो जाएंगे अगर आपके पास 500 शेयर्स रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली आपको बताऊं, आगे से कभी भी कोई भी कंपनी अपना बायबैक लेके आती है आप क्लियर कट कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि कितने शेयर्स आपके पास है, कितने शेयर्स आपका एलिजिबिलिटी हो सकता है, कितना आपका एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है, कितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जब आप अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करना है मैंने बहुत सारे वीडियोज में कवर किया है, आप जाके पुराने वीडियोज को देख सकते हो। आप बैक ऑफिस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, जस्ट अपने ब्रोकर को फोन करना है, उनको बोलना है मुझे बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, एंड बायबैक में कहीं ना कहीं आप ज्यादा शेयर्स भी टेंडर कर सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर्स है, आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है 27% का, मैंने आप 27 के लिए ही एलिजिबल हो गए, लेकिन फिर भी आप चाहो तो 50 शेयर्स के लिए या फिर पूरे के पूरे 100 शेयर्स ही आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप आपके पास रखे हुए हैं तो। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि बहुत लोग अप्लाई नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर विप्रो 400 का भाव दे रही है तो मुझे तो लगता है ये 600, 700, 1000 भी जा सकता है, तो मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना। तो बहुत लोग हैं जो इग्नोर कर देते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं वो जो बचा हुआ अमाउंट होता है दैट गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हो, आप अगर इंटरेस्टेड हो, कोई अगर अप्लाई नहीं कर रहा है तो वो आपको एलोकेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप अप्लाई करो तो कोशिश करो जितना आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आता है या फिर कंपनी की तरफ से जब मेल आता है कि आपके इतने शेयर्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आप उससे कुछ शेयर्स ज्यादा ही अप्लाई कर दो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक्सेप्टेंस रेशियो कैसे निकालना है, कैलकुलेशन पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। आइंदा से फ्यूचर में कभी भी कोई कंपनी बायबैक लेके आती है, फटाफट ये 3-4 इन्फॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स निकालना है, कैलकुलेट कर लेना है, देख लेना है कि हमें कितने शेयर्स बायबैक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर बहुत कम निकल के आता है परसेंटेज, 2-3-4% निकल के आता है, जस्ट इग्नोर, क्योंकि उससे आपको उतना फायदा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं 20-25% से ऊपर अगर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डील। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कंटेंट लॉजिकल है एंड आपके फायदे का है एंड आपको कुछ फायदा मिल रहा है इससे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, एंड ऐसा कोई अगर टॉपिक आपके मन में है जो आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं एंड आपके लिए रिसर्च करूं, मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वर्क करूं एंड आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ले आऊं। अगर आप चाहो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद, एंड यू हैव अ लवली संडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, हैप्पी ट्रेडिंग।